हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और आज अपने देखो इंग्लिश मीडियम है ये, सॉरी इंग्लिश मीडियम के लिए जो इसका पार्ट है वो अपने करने जा रहे हैं 26। तो इंग्लिश मीडियम में देखो जो अपना इसमें आए एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपको पता है थियोरेटिकल पार्ट अपने इसका पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज अपने क्या है इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन सारा करने जा रहे हैं, और जो जो न्यूमेरिकल आज डिस्कस करूंगा मैं वो सारे इसमें हैं। बाकी आप क्या किया करो, वीडियो के थंबनेल में जरूर देख लिया करो, थंबनेल में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सारे मैं लिखता हूँ कि इस जो वीडियो है इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस किए हुए हैं बच्चों, ठीक है? तो उसको जरूर आप देख लिया करो। तो चलिए बच्चों, जो आज अपने न्यूमेरिकल हैं, एक चीज और कि आपके मन में ये आ सकता है कि सर ये न्यूमेरिकल आप नोट से क्यों करवा रहे हो, तो उसका रीजन ये है बच्चों कि जो आज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैं एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट तो मैं नोट से करवाता हूँ, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स हैं ये वाले न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर क्या है इसमें आसानी से आ जाएगा। तो वैसे टाइप के न्यूमेरिकल है थोड़े ये, तो इस कारण मैं ये वाले न्यूमेरिकल आपको अब करवा रहा हूं आज वाली वीडियो में, इसी यानी नोट्स के हेल्प से आपको करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो पीडीएफ है वो आपको क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो न्यूमेरिकल और ये वाले सारे न्यूमेरिकल का एक अलग पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, अब पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, आपको थोड़ी हैरानी भी हो रही होगी। और आज जो मैं क्या है कि स्क्रीन रिकॉर्डर भी नया यूज कर रहा हूँ, तो इस कारण थोड़ा वीडियो में भी आपको चेंज लग रहा होगा, ये अलग तरीके से आ रही है वीडियो। तो चलो कोई बात नहीं, जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर करते रहना चाहिए। तो अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है ये पीडीएफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि ऑन विच पार्टिकल गिवन बिलो मैक्सिमम फोर्स इज एक्टिंग व्हेन दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर। मतलब कि आपको जो ये पार्टिकल दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स किस पार्टिकल पर लगेगा कि अगर इसको अपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि सारे पार्टिकल के लिए बी की वैल्यू सेम है, और दूसरा जो थीटा है सारे पार्टिकल के लिए वो 90 डिग्री है, क्योंकि आपने यूनिफॉर्मली इनको क्या किया है मैग्नेटिक फील्ड में भेजा है, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। और आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू क्या होता है क्यू वी बी और साथ में साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या है कि साइन थीटा यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होती है, तो वो 1 होगी। अब क्यू वी बी, अब बी सेम है सारे पार्टिकल के लिए और वेलोसिटी भी क्या है सेम वेलोसिटी है, ये देखो इधर दे रखी है ना सेम वेलोसिटी, तो अब सब कुछ सेम है, ये वाली वेलोसिटी भी सेम है। तो देखो क्या होगा कि यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी क्यू पर, क्योंकि वी और बी तो सारे पार्टिकल के लिए सेम है, तो ये इस पर तो डिपेंड करेगी नहीं। तो अब आप एक चीज यहां पर ये देखो कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले पार्टिकल की, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की इक्वल चार्ज है, दूसरे पर क्या है एक प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर भी ई चार्ज होता है, तीसरे में क्या है जो ये अल्फा पार्टिकल है इसमें 2e चार्ज होता है, और चौथा जो लिथियम है इसमें 3e चार्ज होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 3 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है इसमें बच्चों चार्ज होता है। तो अब देखो कि सबसे ज्यादा चार्ज किस पे आ रहा है, लिथियम पे आ रहा है, तो लिथियम क्या होगा, लिथियम पर जो लगने वाला फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स जिसको अपने बोल देते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, तो मैक्सिमम फोर्स विल बी इम्पोज ऑन 3 लिथियम 7। अब नेक्स्ट एक चीज और समझ लो पहले कि जो ये वाले पीडीएफ है ये मैंने नेट से तैयार किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज का आपको अलग लग सकती है बुक से, लेकिन क्वेश्चन सेम है सारे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज कई बार इन्होंने क्या है थोड़ी बहुत चेंज की हुई है। तो आप देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ वायर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मेन्स इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि दो वायर्स आपके पास और उनके बिटवीन क्या है 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। द वायर्स विल एक्सपीरियंस 4 mg वेट पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर क्या है 4 mg, सबसे पहले तो आपको ये समझने की वाली चीज है कि यहां पर mg क्या चीज है, तो यहां पर mg मिलीग्राम है और इन्होंने कहा है 4 वेट पर यूनिट लेंथ। अब आपने पढ़ा है कि अगर दो वायर्स हो तो उनके फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन यहां पर आपको वेट दिया हुआ है, तो इस वेट को आपको
फोर्स में चेंज करना पड़ेगा या वेट को फोर्स में चेंज कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास 4 मिलीग्राम है जो मास है, तो इसको 4 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा ये, क्योंकि मिली की वैल्यू 10⁻³ और ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करोगे तो -3 और आ जाएगा। तो जो आपके पास फोर्स आएगा ना किलोग्राम में, वो आपके पास आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ किलोग्राम, ये फोर्स है, सॉरी वेट है। ठीक है, अब इसको आपको सॉरी वेट को, जो ये यहां पर वेट दिया हुआ है, तो वेट को फोर्स में कैसे चेंज करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी से। ठीक है, एम जी फॉर्मूला आप यहां पर लगाओगे, तो वही चीज है कि यहां पर जो आपका यहां आता है ना फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एफ अपॉन एल, अब वो क्या बन गया, वेट पर यूनिट लेंथ यानी एम जी के इक्वल बन गया है ये। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल में भी आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ोगे तो एम जी के इक्वल आ गया ये, म्यू नोट आई वन आई टू अपॉन 2 πr। तो अब यहां पर अपने क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, और आपको क्या है कि दोनों जो वायर्स है उसमें आपको कह रखा है कि सेम करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 4 π × 10⁻⁷ म्यू नोट की वैल्यू इंटू आई अपॉन में 2 π × 30 × 10⁻², क्योंकि आर जो यहां पर दिया हुआ आपको, आर जो गिवन है वो कितना है, यहां पर जो आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर नहीं, आपको ये वैल्यू यहां इन्होंने 30 मान रखा और ऊपर 12 दे रखा है। तो आप इसको चेक करना, आपकी बुक में भी मैंने ये क्वेश्चन चेक नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो यहां आप देख लेना कि 30 है तो 30 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और अगर 12 से सॉल्व होता है, 12 आएगा शायद यहां पर, तो 12 से सॉल्व होता है तो 12 आएगा यहां पर, इन्होंने 30 गलत लिख दिया यहां पर। और इक्वल में एम जी, तो एम 4 × 10⁻⁶ आएगा यहां पर, ठीक है ना, इसको सही कर लेना आप, करेक्ट कर लेना जो जो करेक्शन मैं बता रहा हूँ, और इंटू में 9.8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4.85 एम्पियर आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन लगता होता है ना, उस पार्ट का हिंदी मीडियम का पीडीएफ देख लिया करो आप, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के पीडीएफ में उसको कंफर्म कर लिया करो क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है ना बच्चों, वो इंग्लिश मीडियम की बुक आपकी आई है बाद में, पहले हिंदी मीडियम वाली बुक थी, और इंग्लिश मीडियम वाली बुक में गलतियां बहुत हैं, एडवाइजर में तो थी, जो राजस्थान बोर्ड वाली है उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, तो इस कारण उसको बच्चों आप चेक कर लिया करो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था जाता है, ये है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी रिक्वायर्स 2% ऑफ मेन करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन द शंट रेजिस्टेंस विल बी, मतलब कि ये इसके कहने का ये मतलब है भी, आपको जो गैल्वेनोमीटर है आप ऐसे लगाते हो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहां पर आप इसके पैरेलल में क्या लगा देते हो, शंट लगा देते हो, ये ऐसे है। तो अब आप कहते हो कि जो इसमें करंट की वैल्यू आती है कि जो यहां पर आई करंट आ रहा होता है और इधर क्या आ जाता है, आई जी जाता है गैल्वेनोमीटर में से, ठीक है, और यहां से क्या आ जाता है, आई एस जाता है नीचे से, तो ये करंट जाता है। तो अब ये कह रहा है कि जो आई जी है, ये आई जी करंट क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होता है उसको अपने आई जी बोलते हैं। तो वो कहता है कि जो मेन करंट पीछे से आ रहा है ना करंट, उसका 2% ही चाहिए ये वाला, मतलब आई जी है वो 2% ऑफ आई के इक्वल है, यानी इसका अगर अपने 2% निकाल लें, 2 × 100 अपॉन 2 × I अपॉन 100 कर दें, तो वो क्या आ जाएगी, आई जी की वैल्यू आ जाएगी। तो आई जी अगर आप यहां से निकालोगे तो 0.02 I क्या हो जाएगा, यहां पर आई जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर मान लो 2% ऊपर से जा रहा है करंट, तो यहां से कितना जाएगा, शंट में से 98% करंट जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसमें से करंट जाएगा जब यहां से 0.02 I जा रहा है, तो यहां पर जाएगा 0.98 I करंट, यहां पर आपका जाएगा शंट में से, समझ आए डायग्राम से। तो अब देखो आप जो यहां पर आपसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये रेजिस्टेंस आप शंट लिखते थे एस, और इसकी वैल्यू आपने ये वाली निकाली हुई है, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है ना, थोड़ा सा मार्कर पतला कर लेते हैं। तो अब ये वाली वैल्यू जब आपने निकाली हुई है, तो इस वैल्यू इसमें आप क्या करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आई जी इंटू आर जी, तो आई जी की वैल्यू 0.02 I, जी की वैल्यू कैपिटल जी, आर जी जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन में आई माइनस 0.02 I, ठीक है। तो आप जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 2 से 98 कैंसिल, तो 49, और आई से आई कैंसिल, तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा वो जी अपॉन में 49 आएगा, ठीक है, जी अपन 49 इसका बच्चों क्या आ जाएगा, पूरा करेक्ट है वो आंसर आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो
तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ है? द मैग्नेटिक फील्ड बी इज जनरेटेड इन ए सोलेनोइड विच करंट आई इज फ्लोइंग, कि एक सोलेनोइड में से करंट क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण बी है। इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड, यानी अगर आपने क्या कर दें कि जो सोलेनोइड की लेंथ है और जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है उसको डबल कर दें, तो आप ये कह रहा है कि देन गेट द सेम मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे। तो अब ये कह रहा है कि देन हाउ मच करंट मस्ट बी फ्लोइंग, इसका मतलब समझो ये एक सोलेनोइड है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी आ रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है उसमें। अब उसमें अपने नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर दिए, सोलेनोइड की लेंथ भी डबल कर दी, तो अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी ही रहना चाहिए उस सोलेनोइड के कारण। तो अब आई की वैल्यू फाइंड करो भी उसमें अपने कितना करंट फ्लो करवाए, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप देखो क्या करोगे यहां पर, कि यहां आप देखो कि बी की वैल्यू है म्यू नोड एन अपॉल एल इंटू आई, ठीक है। अब अपने क्या है कि अगर मान लो ये तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो जनरल कंडीशन है, अब सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि जो आपका बी है वो सेम रहना चाहिए म्यू नोड, अब यहां पर 2n आ जाएगा, n की जगह 2n आ जाएगा और l की जगह अब क्या आ जाएगा 2l आ जाएगा, लेकिन 2 से 2 दोबारा कैंसिल, जो स्मॉल n की वैल्यू है वो तो आपकी वही रह रही है n अपॉन l रह रही है, तो n अपॉन l, और इसमें करंट मान लिया कितना है I डैश फ्लो हो रहा है सेकंड कंडीशन में। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर दोनों इक्वेशन को इक्वल रखोगे तो म्यू नोट एन अपॉन एल से म्यू नोट एन अपॉन एल कैंसिल, तो I इज इक्वल टू I डैश के आपके इक्वल आ जाएगा। मतलब जितना करंट आपको पहले फ्लो करवाना पड़ रहा था उतना ही अब करवाना पड़ रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो उतने ही रह रहे हैं, उसमें जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो सोलेनोइड में करंट भी आपको उतना ही फ्लो करवाना पड़ेगा। समझ आई? अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 11 कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड इज बी, टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है, इफ एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स, जो एन है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है इन यूनिट लेंथ में है ऑफ द टोरॉइड इज एन एंड आई करंट इज फ्लोइंग द टोरॉइड देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। तो अब ये कह रहा है कि एक टोरॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एन है आपके पास, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो टोरॉइड के आउटसाइड आपको क्या है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपको मैंने बताया था टोरॉइड चाहे कोई भी है उसके आउटसाइड द पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो इतना कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो, फॉर्मूले लगाने लगो वहां पर, ठीक है। तो वही तभी कहते हैं कि फिजिक्स है वो कंसेप्ट का ये सब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ए पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर बाय, भी पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप क्या करते हो कन्वर्ट करते हो वोल्टमीटर में, कैसे कन्वर्ट करते हो, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, लोअर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लोअर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब आप एक चीज यहां पर ये याद रखो, एक ही चीज याद रख लो बस, शंट और जो रेजिस्टेंस है वो आपको अपने आप पता लग जाएंगे कौन से पैरेलल में लगाने हैं या आपको सीरीज में लगाने हैं। आप इतनी चीज याद रख लो कि जो वोल्टमीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, तो जो पैरेलल में लगेगा उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा उस पैरेलल के अपोजिट लगेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जो वोल्टमीटर है वोल्टमीटर में चेंज करना है तो रेजिस्टेंस उसमें सीरीज में लगेगा, सीरीज में लगेगा। अब कैसा लगेगा, हाई लगेगा या लो, तो अब आपको जो वोल्टमीटर है वो खुद करंट नहीं लेता है, सारा करंट जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको इसका पोटेंशियल फाइंड करना होता है उसके अक्रॉस क्या लेते हो आप, इसका सारा करंट उसमें से फ्लो होना चाहिए। तो तभी अपने क्या करते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आ जाएगा, ठीक है। ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट ए वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर एंड आइडियल एमीटर शुड बी, यानी कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है और आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आप देखो कि जो वोल्ट एमीटर होता है, एमीटर में हमेशा जो करंट होता है वो करंट कैसा होना चाहिए आपके पास, सारा का सारा फ्लो होना चाहिए, और वोल्टमीटर में कोई करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। तो एमीटर इसमें पहले वोल्टमीटर दिया हुआ है फिर एमीटर दिया, तो वोल्टमीटर में से करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, मतलब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, और एमीटर में से सारा का सारा करंट फ्लो होना चाहिए, तो उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट एंड जीरो रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन,
आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, ये चार्ज क्यू एंटर्स ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड बी वेक्टर वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द फोर्स एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज एंड वुड बी द पाथ ऑफ पार्टिकल। तो फोर्स आपको पता है क्यू वी क्रॉस बी से, क्यू वी बी साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो क्यू वी बी आ गया। और पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी सर्कुलर, जो पार्टिकल का पाथ होगा वो कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ होगा। आपको पता है ये 90 डिग्री के एंगल पर जब भी कोई परपेंडिकुलर क्या आता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई पार्टिकल एंटर करता है, तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन 1 एम्पियर करंट इन इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन आपको बताई हुई है, ये सारी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, सिंपल ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ ए प्रोटॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड एंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवार्ड्स द नॉर्थ। अब इसके कहने का मतलब है कि जो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है। ए प्रोटॉन मूविंग अपवर्ड्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग इज हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवार्ड्स द नॉर्थ, यानी कि ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये हो गया जो आपकी कॉपी का प्लेन है, और इसमें मान लो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। अब इसके कहने का मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी है मूव कर रहा है, तो ये वी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है, वी वेक्टर की डायरेक्शन है, सॉरी वी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं है, इसने कहा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट हॉरिजॉन्टल प्लेन टुवार्ड्स द नॉर्थ, जो इस पे फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। और जो इस पे क्या है कि ये कह रहा है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो टुवार्ड्स अपवर्ड कर रहा है वर्टिकली। अब वर्टिकली इसके ये जब हॉरिजॉन्टल है तो इसका वर्टिकल अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो आप अपवर्ड यानी अपनी तरफ मूव करवाओ इस प्रोटॉन को, ठीक है, तो इसको जब मूव करवाओगे तो वो वी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब ऐसे। तो अब जो तीसरी डायरेक्शन होगी, देखो एक एक्सिस इधर चला गया, एक अपवर्ड आपकी आंखों की तरफ हो गया, तो एक जो होगा वो ऐसे हो जाएगा, तो मतलब इसकी डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी। और मैंने नीचे वाली क्यों नहीं ली, ऊपर वाली ही क्यों ली, तो आप यहाँ पे बच्चों लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के टुवार्ड्स वेस्ट इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है बी की, और आप क्या करो वी क्रॉस बी लगा लो, अगर आपको क्या है वी क्रॉस बी या बी की डायरेक्शन तो अपने पास है ही नहीं, एफ की डायरेक्शन है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी के नहीं समझ आया तो देखो ये वाली डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और आप क्या है कि अगर मान लो ये वाली डायरेक्शन आप बी की मानते हो और ये वाली डायरेक्शन आप क्या है कि प्लेन के अपवर्ड किसकी मानते हो, वी क्रॉस बी करोगे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, आपको सारी डायरेक्शन ही समझ आ जाएगी। अगर नहीं आई तो मैं क्या है कि हाथ का डायग्राम बना के ना आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक डाल दूंगा, मतलब फोटो डाल दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा, अगर जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो वैसे आपको खुद को आना चाहिए ये क्वेश्चन भी अगर आपने रूल पढ़ रखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 7, ए चार्ज पार्टिकल डज यूनिफॉर्म मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वुड बी पाथ ऑफ द पार्टिकल। मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है और लीनियर मोशन में जा रहा है, आप इसको देखना लीनियर मोशन में, सॉरी ये क्या है, पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की, यानी थीटा 0 डिग्री है, तो जो इस पे फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या है, लीनियर पाथ पर मोशन करेगा, वो वाला क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी यहाँ पे चेंज है, आपकी बुक में लैंग्वेज सही दे रखी है इसकी, ठीक है। वैसे मैंने क्या किया है कि जो हिंदी मीडियम वालों को वीडियो बनाई है, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहाँ से उठाए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरे पास लिखने का इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन आरबीएसई सॉल्यूशन नाम की वेबसाइट है वहां से मैंने लिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम वालों को मैं एसपी की बुक से करवाता हूँ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्योंकि यही चीजें मैंने कॉपी में लिखनी होती हैं,
तो जरूरी मैं अपना टाइम वेस्ट करूं कॉपी में लिखने का, डायरेक्ट आपको कराऊं, आपको वीडियो भी जल्दी मिलेगी। तो एक ये रीजन है। अब दूसरा क्या है कि आपकी एक एसपी की बुक मेरे पास है, 11वें चैप्टर के बाद बाद वाले चैप्टर उसमें है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, सारे चैप्टर उसमें है, तब तो मैं क्वेश्चन आपको एसपी की बुक से डाल दिया करूंगा। लेकिन उससे पहले वाले चैप्टर की बुक मेरे पास नहीं है, तो इस कारण मैं एसपी की बुक से क्वेश्चन नहीं ले रहा। तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास मिस्टेक हो कोई क्वेश्चन में, तो उसको सही कर लेना बुक से मिलान करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑन एनी सर्कुलर कॉयल ए कॉन्स्टेंट वोल्टेज बैटरी इज कनेक्टेड एट द डायमीटर एंड्स, व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। ठीक है, इसका डायग्राम दे रखा है क्या? डायग्राम नहीं दिया होगा, तो डायग्राम नहीं दिया तो अब इसका डायग्राम बनाओ। देखो इसके कहने का मतलब है भी एक सर्कुलर कॉयल है, ठीक है, और इस सर्कुलर कॉयल को अपने डायामीटर, जो इसका ये डायामीटर है ना बीच में, इसके दोनों एंड्स से अपने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक वी वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। और क्या है कि मान लो यहां से क्या हो रहा है, यहां पर करंट जा रहा है आई, तो अब ये करंट आई आगे जाके क्या होगा, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I/2 ऊपर वाले में से चला जाएगा और I/2 नीचे वाले पार्ट में से चला जाएगा। तो अब ये सर्कुलर कॉयल है, तो आपको क्या करना है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब सेंटर पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो आपको आप कहोगे कि सर सर्कुलर कॉयल के लिए तो क्या होता है, या तो लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों वो सर्कुलर कॉयल में क्या होता है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता है सारा ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन यहां पर आप देखो कि करंट पीछे से आ रहा है और सर्कुलर कॉयल में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये सर्कुलर कॉयल को आपको ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड मानना पड़ेगा। अब ऊपर वाले पार्ट के कारण ऐसे डायरेक्शन निकालो, तो इनवर्ड आ रही है इस सेंटर पॉइंट पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, और नीचे वाले के कारण निकालो, तो नीचे वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर रोटेट करो तो आपकी तरफ आ रही है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड, और सेम करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो B-B यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। समझ आई इतनी बात? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज जीरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट ICN लिखा हुआ है, सिग्मा आई होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि ए इन ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ कॉपर हैविंग रेडियस आर, आई करंट इज फ्लोइंग, कैलकुलेट द इट्स मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द ट्यूब। तो अब ये सोलिनोइड वाली बात आ गई, तो इन साइड नहीं आएगा आउटसाइड आएगा, ठीक है ना, इनसाइड नहीं आएगा आउटसाइड आएगा यहां पर। तो आउटसाइड क्या होता है, एक सोलिनोइड के बाहर क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो इसको आउटसाइड सही कर लेना आप। नेक्स्ट टाइम से मैं सारे क्वेश्चन चेक किया करूंगा, इस बार प्लीज मैं सॉरी कहता हूँ आपको, इसमें काफी क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं मुझे अभी पता लग रहा है, ठीक है, पढ़ाते टाइम, तो इसको सही कर लेना। व्हाई आर द पोलर पीसेज ऑफ ए स्टेबल मैग्नेट यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर मेड ऑफ कनकेव शेप, की जो गैल्वेनोमीटर में अपने कनकेव शेप में मैग्नेट यूज करते हैं वो उस शेप में क्यों होते हैं। तो आपको पता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड उसमें चाहिए होता है अपने को, तो इस कारण अपने जो कनकेव शेप में उनको यूज करते हैं। समझ आई बात? फिर क्वेश्चन नंबर 14 की, हाउ कैन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इंक्रीज्ड। तो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल एंड टेकिंग सॉफ्ट आयरन कोर। बाकी उसमें आपको पता है करंट सेंसिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो NaBC होती है, और मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि करंट सेंसिटिविटी अगर आपको इंक्रीज करनी हो, ठीक है, ये NaBC, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, ए इंक्रीज जो कॉइल का एरिया है वो इंक्रीज, बी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हो, सी डिक्रीज कर सकते हो, और सी का मैंने अलग से फॉर्मूला बताया था, ठीक है, नीटा पाई आर 4/2L, इस प्रकार से फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन नंबर आता है 15, तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो गैल्वेनोमीटर की कॉयल है उसकी क्या है पोजीशन कैसी होती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब आप कहते हो कि टो इज इक्वल टू जीरो, टो इज इक्वल टू NaAB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब कि आप कह सकते हो कि बी वेक्टर और ए वेक्टर जब दोनों पैरेलल होते हैं, या आप कह सकते हो कि जो प्लेन प्लेन होता है कॉयल का वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास ऐसे कॉयल है और ये परपेंडिकुलर पड़ी हुई है किसी मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब ऐसे पड़ी हुई है,
ठीक है। तो इसका जो ए वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, कॉइल खुद परपेंडिकुलर होगी, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्योंकि इसके क्या होता है 90 डिग्री एंगल पर होता है, तो वो क्या होगा पैरेलल होगा, तो बी और ए दोनों पैरेलल होंगे इसमें। तो प्लेन ऑफ द कॉइल विल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो कि एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 17, 16 क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो इससे रिलेटेड था जो आपका टॉपिक कटा हुआ है, नाम भूल गया उसका मैं, साइक्लोट्रॉन वाला, ठीक है। तो उसमें से था विच अप्लायंस वुड यू प्रेफर टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप किसका यूज करते हो, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, दूसरा इसमें आ सकता है सोलेनोइड, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है सोलेनोइड के अंदर भी क्या होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आइडियल सोलेनोइड। नेक्स्ट है राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर नेसेसरी हाई रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट ए गलवेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज, यानी कि अगर अपने को गैल्वेनोमीटर को क्या है किसी वोल्टमीटर में चेंज करना डिजायर्ड रेंज के, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रेजिस्टेंस होता है और क्या क्या चीजें होती है इसमें वो सारी दी हुई है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो यहाँ जो वीडियो है इसमें फोर्थ क्वेश्चन अपने नहीं करेंगे डिस्कस, सिक्स्थ नहीं करेंगे, ठीक है, सेवन्थ नहीं करेंगे, नाइन्थ नहीं करेंगे, और एक आगे शायद 16 क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस अपने करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पर करवाऊंगा जो ऊपर बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो बोर्ड पर करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट ए लॉन्ग एंड स्ट्रेट वायर कैप्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज एन इलेक्ट्रिक करंट 50 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि एक स्ट्रेट वायर उसमें से 50 एम्पीयर का करंट जा रहा है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2.5 मीटर डिस्टेंस टुवार्ड्स वेस्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन, कि आपकी जो वायर है उसमें क्या है कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है 50 एम्पीयर का करंट है और वो साउथ टू नॉर्थ फ्लो हो रहा है, तो और आपका जो आपको क्या करना है इसकी वेस्ट डायरेक्शन में, अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है तो आपको क्या है इसकी वेस्ट डायरेक्शन में क्या करना है, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर ईस्ट आना था, टुवार्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट दे रखा है यहाँ, ईस्ट आना था, ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या है कि कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो सबसे पहले इस वायर के कारण इस पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो इनवर्ड आएगी, तो इनवर्ड के लिए क्रॉस का साइन अपने यहाँ पर लगा रखा है बच्चों, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो गलतियां हैं ना वो मैं इस कारण ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम वालों को करवा चुका हूँ ये वाली चीज, ठीक है, तो इस कारण बता रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि सर अपने मन से कह रहे हैं, मन से मैं चीज नहीं बना रहा। तो जो जो चीजें दिया वो लिख दो, आई 50 एम्पियर दिया है, डी 2.5 मीटर दिया है, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो और डाउनवर्ड इसकी क्या आ जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर लेना आप इसकी। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पर करवाऊंगा। अब आती है बात सेवन्थ क्वेश्चन की, तो सेवन्थ क्वेश्चन ये भी बोर्ड पर ही करवाऊंगा, ठीक है, बोर्ड वाली वीडियो उसमें करवाऊंगा। फिर आता है एट्थ क्वेश्चन, पढ़ो क्या है क्वेश्चन की, ए वायर इन विच 8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इज कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 1.5 टेस्ला एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन विच इज एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जो जो चीजें दी है ना उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया करो आप, मतलब कि करंट दिया है तो उसको आई सिंबल दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसको बी सिंबल दे दिया, तो इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखा करो। तो आई यहाँ पर आपके पास देखो क्या है 8 एम्पियर है, तो आई 8 एम्पियर, बी 0.515 टेस्ला, थीटा 30 डिग्री है, तो आप फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर आई एल बी साइन थीटा होता है, लेकिन आपसे पूछा हुआ है कि यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना है, तो एफ अपॉन एल होता है, तो अगर मैं यहां से ऊपर वाली से एल से डिवाइड कर दूं तो दोनों साइड, तो ये बचेगा आई बी साइन थीटा। अब आपको आई की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू भी पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू 8, आई की वैल्यू जो इसमें क्या है 0.15, ये बी की वैल्यू और साइन 30 डिग्री, जब सॉल्व करोगे तो एफ इज इक्वल टू 0.698 न्यूटन पर मीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 अपने वहां आगे करेंगे, जो वीडियो आपकी बोर्ड वाली है उस पे क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्या है कि 2 2 मीटर लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड एट वैक्यूम 0.2 मीटर, इफ करंट 0.2 एम्पीयर फ्लोज इन बोथ द वायर्स इन सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉइल, कि आपको क्या करना है फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ पे,
करंट दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है दोनों के बीच में, तो ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में, यहाँ पर 4 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत थी। ठीक है, ऊपर 2 लगाया, नीचे 4 पाई आर लगाया तो 2 पाई आर आ जाता। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और 4 पाई से ये कैंसिल हो गया, और लास्ट में इसको आप क्या है कि जो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगी। अरे नहीं समझ आ रहा तो देखो, म्यू नॉट की वैल्यू लिखो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है दोनों में। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर होता है, 2 पाई, और आर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.2 मीटर। ठीक है, करंट यहाँ पे 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है करंट, तो ये 2 का स्क्वेयर आना था यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे सारे को, तो आपके पास देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा 2, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2, ये आ जाएगा। और यहां पर इसने कह रखा है कि 2 मीटर लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं, वैक्यूम में रखा है 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे, 0.2 एम्पीयर का करंट, सेम डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर फॉर्मूला जो आएगा उससे आप इसको इसकी वैल्यू निकालना, यही आएगी। अब 11 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन तो अपने करना है, 16 नंबर छोड़ना है कि एक स्क्वायर कॉइल हुज ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स, 12 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग। जो जो चीजें दी हैं उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। द कॉइल इज हैंगिंग वर्टिकली परपेंडिकुलर ड्रॉन प्लेन ऑफ मेक्स एंगल 30 डिग्री, एंगल दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो टॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन आपको गिवन है, आई आपको गिवन है, ए आपको एरिया गिवन है। एरिया कैसे गिवन है कि एरिया यहां से आ जाएगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसकी साइड दी हुई है, स्क्वेयर कॉइल है, तो एरिया स्क्वेयर काट 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा ये। अब करंट दे रखा है एन आई ए बी साइन थीटा, सारा कुछ दे रखा है, सारों की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है इसमें आपके पास, तो 12 में देखो क्या दे रखा है, विद अ सिमिलर वेलोसिटी वी अल्फा पार्टिकल्स एंड सम प्रोटॉन्स एंटर परपेंडिकुलरली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दीज पार्टिकल मेक्स ए सर्कुलर एंड लीनियर पाथ, हाउ मच इज इट्स रेशियो एंड रेडियस ऑफ दीज पाथ्स। कि आपको दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है, एक अल्फा पार्टिकल और कुछ प्रोटॉन है जो मूव कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, तो आप देखो जो दोनों की रेडियस है उसका आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, तो रेडियस का फॉर्मूला लिखो, एम वी अपॉन क्यू बी होता है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए एम अल्फा बी अपॉन क्यू अल्फा बी, तो एम अल्फा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स प्रोटॉन होता है, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आर अल्फा की वैल्यू, जब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो। अब दूसरे क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की रेडियस ये वाली है, आप दोनों को डिवाइड करोगे तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, 2:1। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 14, तो 14 क्वेश्चन में द नेसेसरी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 0.2 एम्पियर फॉर एनी गैल्वेनोमीटर 12 ओम रेजिस्टेंस, हाउ विल यू कन्वर्ट इट वोल्ट मीटर इन रेंज 0 टू 18 वोल्ट। तो अब जो जो चीजें दी हैं, अब देखो आपको क्या है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है जी होता है, जिस आपको क्या है कि इसकी रेंज दी हुई है वोल्ट मीटर की, तो वो वी की वैल्यू है, तो इसको 18 कर लेना, या इन्होंने 19 गलत लिख रखा है। और करंट जो डिफ्लेक्टिंग करंट है फुल स्केल के लिए, डिफ्लेक्टिंग करंट है जो सर्किट में, वो आपको दे रखा है बच्चों 2 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो अब आप जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर एच इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी इंटू जी, वी आई जी और जी तीनों की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू ये एड, ये 2 मिली एम्पियर 2 इंटू 10 की पावर -3 और माइनस में 12 आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो ये 18,000 बन जाएगा, और 2 से कैंसिल करोगे तो 9,000 -12 यानी 8988 क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू। देखो यहां पर एक चीज इन्होंने और गलत की है, 0.2 मिली एम्पियर है, तो जब इसको 2 इंटू 10 की पावर -4 आएगा, 0.2 मिली एम्पियर, मिली का 10 की पावर -3 आ ही गया, लेकिन एक क्या है 10 की पावर -1 यहां से आएगा, जब आप इसको 2.2 को 2 में चेंज करोगे तो ये -4, ये 90,000 आएगा, और ये आ जाएगा यहां पर 89988, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इसको भी करेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 15 में आपको एमीटर में चेंज करना है,
तो अब क्या दिया हुआ है, फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया और एमिटर की रेंज दे दी, मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, रेंज ऑफ एमिटर आई की वैल्यू दे दी 6 एम्पियर। ठीक है, तो अब रेंज, तो आपको क्या करना है, शंट की वैल्यू फाइंड करनी, तो शंट के लिए ये वाला फॉर्मूला, आई जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू गिवन है, आई माइनस आई जी आप निकाल ही लोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैं जल्दी में क्यों करवा रहा हूँ, एक तो वीडियो काफी लंबी हो रही है और बाकी ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, इस कारण मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 16 अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 17, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि ए सोलेनोइड ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग वायर वाउंडेड अराउंड इन एवरी लेयर नंबर ऑफ टर्न्स इज 500। ठीक है, और इसमें दो लेयर्स आपको दे रखी हैं, ये अगर इसमें नहीं लिखा तो आप देख लेना, दो लेयर सोलेनोइड में दे रखी है, एक लेयर में 500 टर्न्स है, तो दो लेयर्स में कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, लेंथ आपको दे रखी है, करंट फ्लो इसमें दे रखा है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो म्यू नोट एन अपॉन एल इंटू आई, तो जब आप इसको पुट करोगे, वैल्यू सॉल्व करोगे, तो 12.56 × 10³ टेस्ला इसका आ जाएगा आंसर। तो ये बच्चों आपकी आज की वीडियो थी, काफी फास्टली मैंने न्यूमेरिकल करवाई है क्योंकि इनको कंप्लीट करना था जल्दी, अब पेपर नजदीक आ रहे हैं, तो इस कारण, तो हो सकता है कई बच्चे जो मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको ऐसा लगे कि सर ने आज तो यानी कि ऐसे कर दिया, भी ऐसे कभी नहीं पढ़ाया मैंने आज तक, आज मेरे को खुद को थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप अब खुद ट्राई करोगे, अब आपका इतना लेवल बन गया है कि आप इन क्वेश्चन को खुद कर सकते हो, खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, तो तभी मैंने शॉर्ट में ये क्वेश्चन करवाए हैं आपको। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल बच गए हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो बोर्ड पर बनाऊंगा, और वो वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।